सभी मीडिया साथी और प्रेस के बंधुओं को वंदे मातरम। आप लोगों को आज यहाँ बुलाने का सबसे मुख्य उद्देश्य यह है कि जहाँ आप आए हैं, ये बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल का मुख्यालय कार्यालय पटना है, सदाकत आश्रम पटना। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे के लिए है कि जैसा कि हम लोगों को ज्ञात हुआ है कि कुछ ही दिनों में, आने वाले कुछ दिनों के भीतर में, एक सावरकर जी हैं जिनके नाम पर वीर गाथा के लिए उनके ऊपर एक फिल्म बनाई जा रही है और उनको वीर का उपाधि दिया गया है। देशभक्त उनको बताया जा रहा है। तो इसी मुद्दे पर आपको चर्चा करना है कि क्या वाकई वीर सावरकर वीर थे। अगर वीर सावरकर वीर थे तो फिर आज़ादी की लड़ाई में उनका योगदान क्या था? यह इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अब तो खैर इतिहास के साथ ही छेड़छाड़ हो रहा है, संविधान के साथ ही छेड़छाड़ किया जा रहा है, संविधान को बदलने का काम किया जा रहा है। जहां ज़रूरत होती है आरएसएस और भाजपा के लोगों को, वहां पर वो संविधान बदलने का भी काम कर रहे हैं। लेकिन आज से पहले या अभी तक वीर सावरकर जी कितने वीर थे यह तमाम लोग जानते हैं, और जो नहीं जानते उनको मैं बताता चलूं कि वीर सावरकर एक माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति को, मैं आपसे ही मीडिया बंधुओं से पूछना चाहता हूं कि एक माफ़ी मांगने वाला व्यक्ति को वीर कहा जा सकता है? आज़ादी के योगदान में, लड़ाई में उनका योगदान शून्य रहा, गुलामी करने का रहा अंग्रेज़ों के प्रति, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सज़ा को ख़त्म करवाने के लिए। अगर कोई व्यक्ति किसी से क्षमा याचना, जी हुजूरी, गुलामी, आप हमारे माई बाप हो कहने तक की बात करता हो तो उसको आप क्या नाम देंगे, यह आप खुद तय करें और बाकी समस्त भारत की और बिहार की जनता तय करे। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हम इसलिए बुलाए हैं कि यदि बिहार की धरती पर यह सावरकर के रूप में अगर उनके फिल्म को यहाँ प्रसारित किया जाता है तो हम कांग्रेस के लोग और कांग्रेस सेवा दल के लोग, जिसमें कांग्रेस मेन सेवा दल के लोग होंगे, यंग ब्रिगेड सेवा दल का लोग होगा और महिला सेवा दल की लोग होगी, और समस्त कांग्रेस पार्टी के जितने भी हमारे फ्रंटल हैं वो ज़रूरत पड़ेगा सभी लोग सड़कों पर आएंगे और उस फिल्म का हम विरोध करेंगे। बाकी विस्तृत चर्चा हमारे जो बिहार के दो अध्यक्ष और एक महिला अध्यक्ष हैं वो आपके बीच में चर्चा करेंगे, वो अपनी बात रखेंगे। हमारे बगल में बाएं हाथ में सेवा दल कांग्रेस के मुख्य संगठक डॉक्टर संजय कुमार हैं और हमारी दाहिनी तरफ यंग ब्रिगेड कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य कुमार पासवान जी हैं और उनके बगल में महिला कांग्रेस सेवा दल की रुचि सिंह जी हैं। तो चर्चा के लिए बाकी मैं अपने सहयोगी के साथ ही। आप लोग तो काया सावरकर कहते हैं लेकिन बीजेपी वाले लगातार वीर सावरकर कहते हैं और इसको लेकर लगातार आवाज भी सभा में उठाते रहते हैं कि वीर है सावरकर, वीर है, तो आप लोग काया सावरकर को क्यों कहते हैं? देखिए, इतिहास के तथ्यों के साथ जो आज छेड़छाड़ कर बहुत सुनियोजित तरीके से जो की जा रही है उसे कांग्रेस पार्टी किसी भी तरह से सफल नहीं होने देगी। इतिहास में हमने जाना है कि जो नौ नौ बार जिसने अंग्रेजों से माफ़ी मांगा, जो अंग्रेज के पेंशन पे जिया, उसे ये लोग वीर का नाम दे रहे हैं। और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से बार बार उसने माफ़ी मांग करके जेल से छूटने के लिए गुहार लगाई और उसे आप महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं आज एक चलचित्र बनवा करके। ये सब भारतीय जनता पार्टी की साजिश है और मैं आपके माध्यम से, मैं आज इस सिनेमा के प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर सबको बोलना चाहूँगा कि बिहार में इस फिल्म को रिलीज करने से पहले 10 बार सोचें, नहीं तो बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल, बिहार प्रदेश कांग्रेस सेवा दल यंग ब्रिगेड इस पिक्चर को चलने नहीं देगा सिनेमा हॉल में। और इसलिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन लिखा है
और वो ज्ञापन भी आप लोगों के साथ शेयर किया है जो यहाँ पे हमारे, ये आप देख सकते हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन लिखा है, उनसे अनुरोध किया है कि इस फिल्म को बिहार में बैन किया जाए, क्योंकि इस फिल्म के चलने से बिहार के बच्चों पर, बिहार के लोगों पर एक गलत प्रभाव पड़ेगा और इतिहास में जो हमने पढ़ा है उस इतिहास को तोड़ मोड़ कर इसको दिखाने का प्रयास किया गया है। और अभी देखिए आप सुभाष चंद्र बोस जी के जो पोते हैं उन्होंने भी इस पे अपना ये जाहिर किया है कि इससे तथ्यों को छेड़छाड़ की जा रही है। तो ये फिल्म को बिहार में रिलीज करने से पहले इसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो हैं 10 बार सोचें कि बिहार में रिलीज करना है कि नहीं करना है। वो मुद्दा वो अभी अभी एक एक सेकंड है, राहुल गांधी को बोले कि अगर राहुल गांधी अगर वीर सावरकर को अगर माफी वीर बोले ने तो आगे गठबंधन टूट सकता है। नहीं, ये देना और आप जब बात कर रहे हैं तो याद कीजिए महाराष्ट्र का चुनाव, आप उस गठबंधन में थे, सावरकर शिवसेना बार बार ये मांग करती है कि सावरकर को भारत रत्न मिलना चाहिए, तो आपका डबल स्टैंड इस पर क्यों दिख रहा है? बिल्कुल डबल स्टैंड नहीं है बिल्कुल, और अगर ऐसा बात है मांग करती है तो हम उनसे बात करेंगे कि हम एक मजबूत गठबंधन में हैं और इतिहास में दिखाया गया है कि सावरकर ने अंग्रेजों से माफ़ी मांगी और सावरकर अंग्रेजों के पेंशन पर रहे, तो ये उनको भी समझने की ज़रूरत है और हम ये समझाने पूरा प्रयास करेंगे कि इस चीज़ को तथ्यों के साथ उनके सामने रखें और इस मांग से हम लोग हटें। सावरकर आपके लिए क्या है, देशभक्त है? बिल्कुल नहीं, देशद्रोही, कोई कहीं कोई डाउट ही नहीं इसमें है। एक सवाल है कि जैसे बीजेपी हिंदुत्व के एजेंडा पे काम करती है, कांग्रेस कहीं ना कहीं विरोधाभास करके एक विपक्ष दूसरे दल को या दूसरे जाति के लोग को लुभाने के लिए तो ये नहीं कर रहे आप? मैंने इसमें लुभाने है क्या, हम चाहते हैं कि जो इतिहास हमारा देश का है वो इंटैक्ट रहे। आप देख रहे हैं देश प्रेम न्यूज़।